सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू मोटरसाइकिल से होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण गौतम। दोस्तों, दिखावे और प्रतीक की राजनीति का कमाल देखिए। एक तरफ पीएम मोदी चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर किसानों के सम्मान का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के स्वागत में एक बार फिर सड़कों पर कीले बिछाई जा रही हैं। गांव गांव जाकर पुलिस जो अनाउंसमेंट कर रही है, वो सवाल उठाता है कि क्या अपने हक के लिए आवाज उठाना भी अपराध हो गया है? क्या मोदी सरकार को उसके वादे याद दिलाना भी अपराध हो गया है? पुलिस की अनाउंसमेंट का वो वीडियो भी आपको आगे दिखाएंगे। पहले जरा ये किलो वाला मंजर देखिए, आपको किसान आंदोलन की यादें ताजा हो जाएंगी। एक बार फिर सड़कों पर किले बिछाए जा रही हैं। ये हरियाणा की सड़कें हैं जहां किसान दिल्ली ना पहुंच सके, इसके लिए सड़कों पर बैरिकेटिंग की जा रही है, किले बिछाए जा रही हैं, खुदाई की जा रही है ताकि किसानों के ट्रैक्टर यहां से ना गुजर सके, दिल्ली ना पहुंच सके, क्योंकि 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया है, आह्वान किया है। और किसानों को रोकने के लिए और किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनदीप पुनिया ने एक वीडियो शेयर किया है, जरा वो भी देखा जाए। मनदीप पुनिया ने वीडियो शेयर किया है जिसमें पुलिस गांव गांव जाकर लाउड स्पीकर लगाकर क्या अनाउंसमेंट कर रही है, किस तरह गांव के किसानों को धमकाया जा रहा है, जरा देखिए। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में सहायता मांगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन जेसीबी आईडी या ट्रैक्टर की सहायता मांगी तो सीज कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। तो लाउड स्पीकर लगाकर किस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप किसान आंदोलन में शामिल होंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, आपका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, आपका ट्रैक्टर सीज किया जा सकता है। इस तरह की धमकी लाउड स्पीकर लगाकर गांव गांव में दी जा रही है। तो खासकर जयंत चौधरी जैसे नेता ये अनाउंसमेंट सुनकर क्या ये बोल पाएंगे कि क्या वाकई ये वो सरकार है जो चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चल रही है, जिसमें चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है जयंत चौधरी जैसे पलटी मारने वाले नेताओं को। दोस्तों, पुलिस की अनाउंसमेंट सवाल उठाती है कि क्या किसान गांधीवादी तरीके से आंदोलन भी नहीं कर सकते, मोदी सरकार को उसके वादे याद नहीं दिला सकते। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा क्या कहती है? अलका लांबा कहती है कि क्या भारत में अब भी लोकतंत्र लागू है? इन तस्वीरों को देखकर नहीं लगता। कितनी शर्मनाक बात है कि धमकियां अन्नदाताओं को दी जा रही हैं, अपराधियों को नहीं। क्या किसान आंदोलन को कुचलने के लिए इस हद तक गिरेगी किसान विरोधी सरकार? ये अलका लांबा ने सवाल उठाया है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या किसान गांधीवादी तरीके से मोदी सरकार को उसके वादे याद नहीं दिला सकते? किसान आखिरकार दोबारा क्यों आंदोलन करने को मजबूर है? किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ का ये वीडियो देखिए, क्या कहते हैं अभिमन्यु, जरा सुना जाए। अरे भैया, हाथ जोड़ कर राम राम, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 13 फरवरी के दिल्ली कूच की पूरी तैयारी है, आर पार की आपा लड़ाई लड़ेंगे। हाथ जोड़ के विनती है, जिस किसान भाई को ये लगता है कि किसानों के लिए MSP का गारंटी कानून जरूरी है, लखीमपुर खीरी के घायल और शहीद किसानों को न्याय दिलाना जरूरी है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराना जरूरी है, किसानों की मजदूरों की कर्ज माफी जरूरी है, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून दोबारा से लागू कराना जरूरी है, वो तमाम किसान साथी अपने ट्रैक्टर लेकर 13 फरवरी वाले दिल्ली कूच में शामिल हुए। यह हमारी फसल और नस्ल और अगली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई है। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 3 बॉर्डर तय किए गए हैं, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर। जो शंभू बॉर्डर के आसपास के हरियाणा के जिले हैं, अंबाला हो गया, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, वो सारे साथी 13 तारीख को सुबह शंभू बॉर्डर पहुंचे हैं। जो खनौरी बॉर्डर के आसपास के जिले हैं, जींद और कैथल, वे तमाम साथी 13 तारीख को सुबह खनौरी वाले बॉर्डर पर पहुंचे हैं। और जो डबवाली के आसपास के फतेहाबाद के सिरसा के जो साथी हैं, वो डबवाली वाले बॉर्डर पर 13 तारीख को सुबह पहुंचे हैं। और विनती है
तमाम और बाकी जिलों के साथी अपने ट्रैक्टरों के साथ तैयार रहें, आपको सही समय पर सही सूचना मिल जाएगी। ट्रैक्टरों की पूरी तैयारी रखो, जैसे जैसे काफिला पीछे से आएगा हर गांव से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर उसमें जुड़ने चाहिए। मेरी प्रार्थना है सारे भाइयों से हाथ जोड़ के, किसी भी किसान भाई का ट्रैक्टर 13 तारीख को अपने घर में नहीं खड़ा रहना चाहिए। जिंदा जमीन वाले लोग और जमीन वाले लोगों का ट्रैक्टर सड़कों पे होना चाहिए। ये हो सकता है, ये संभव है कि सरकार अभी एक दो दिन में इंटरनेट भी बंद कर दे। फोन के माध्यम से आप सबसे संपर्क होता रहेगा। तमाम साथियों से हाथ जोड़ के विनती है, इन बातों पे गौर करें। आंदोलन को पूरा शांतिपूर्ण रखना है। तमाम बैरिकेड हटा के आप दिल्ली जरूर जाएंगे 13 फरवरी को। जय जवान जय किसान। तो किसान नेता कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, फिर भी सड़कों पर कीले बिछा दी गई है, फिर भी पुलिस कार्रवाई की अनाउंसमेंट कर रही है, कई जिलों में हरियाणा में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तो आखिरकार किसानों से इतना डर क्यों? और क्या एक बार फिर किसानों को बदनाम किया जाएगा? क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं तो पूरा इकोसिस्टम इस बात को लेकर किसानों पर सवाल उठाएगा कि देखिए चुनाव को लेकर मोदी सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस मूल मुद्दे पर बात नहीं की जाएगी कि जो किसानों से वादे किए थे आंदोलन खत्म करते वक्त, उन वादों का क्या हुआ? क्या चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान करके ही किसानों के सारे मुद्दों का समाधान हो गया? पीएम मोदी कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो आखिरकार इसको लेकर कानून बनाने में समस्या क्या है? सरकार को इस साधारण से सवाल का जवाब देना चाहिए। किसानों की जो दूसरी मांगे हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कोई मीडिया चैनल किसानों के इन मुद्दों पर सरकार से सवाल कर पाएगा कि इतना समय बीत गया, किसान आंदोलन के वक्त जो वादे किए गए थे सरकार आपने पूरे क्यों नहीं किए? बल्कि कहा जाएगा कि देखिए पीएम मोदी तो किसानों का इतना सम्मान करते हैं कि चौधरी चरण सिंह को, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया, फिर भी ये विपक्षी पार्टियों के एजेंट एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए हैं। तरह तरह से एक बार फिर किसानों को बदनाम किया जाएगा। मोदी सरकार इस खेल को बाकायदा समझ गई है कि पब्लिक को मूर्ख बनाना आसान है। जो दिखावे वाली राजनीति है, जो प्रतीक वाली राजनीति है, उसके आधार पर मूल मुद्दों को दरकिनार करके भी किसान हितैषी बना जा सकता है। मोदी सरकार इस बात को बखूबी समझ गई है कि हमारे देश की पब्लिक बार बार किसी आंदोलन पर बोर हो जाती है। जैसे पहले खिलाड़ियों ने आंदोलन किया तो उस वक्त शुरुआत में साथ दिया, दोबारा आंदोलन पर बैठे तो कहा कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अब किसान भी दोबारा आंदोलन करने आएंगे तो एक बार फिर वही खेल किसानों के साथ दोहराया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में क्या किसान शांतिपूर्ण अपनी बात रखने के लिए मोदी सरकार को उसके वादे याद दिलाने के लिए दिल्ली नहीं आ सकते? जो सड़क पर कीले बिछा दी गई हैं, जो पुलिस इस तरह की अनाउंसमेंट कर रही है जो लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है। आप किसानों को रोकने के लिए इस सारी तिकड़मबाजी पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या मोदी सरकार ने किसानों से किए वादे पूरे किए हैं या सम्मान की राजनीति के बहाने मूल मुद्दों को भुलाया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।